हेलो दोस्तों, यदि आपके भी फ़ोन में कोई साउंड नहीं आ रहा है, जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हो या फिर कॉल करते हो, यानी आपका साउंड टोटली गायब हो गया है, तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे पा सकते हैं? तो गाइज, आपको करना क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा, आपको हेडफोन लगा लेना है या फिर ब्लूटूथ लेग कनेक्ट कर लेना है, तभी आपको जिस स्मार्टफोन का सोल्यूशन आप पाना चाहते हैं, यदि आप उस स्मार्टफोन से ही मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो दोस्तों आप हेडफोन लगा लीजिए, तभी आपको क्या क्या करना है आपको सारी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हेडफोन लगा लेना है या फिर ईयरफोन लगा लेना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा, अपने मेन सेटिंग में आना है, जो आपका मोबाइल का सेटिंग है, मेन सेटिंग में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कहीं पे साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी मेरे पास साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन है, तो दोस्तों आपको भी साउंड के ऑप्शन पर चले आना है, नहीं तो आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से सर्च का सेटिंग है, यहाँ से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर साउंड वाले सेटिंग पर चले आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर वॉल्यूम का, दोस्तों आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन के ऊपर चले आना है। यहाँ पर आने के बाद जो भी आपका वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हैं, कोई वॉल्यूम में गड़बड़ी नहीं है, तो बैक आ जाना, इसे छेड़छाड़ नहीं करना है। बैक आने के बाद फिर भी आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है, यानी वॉल्यूम को ठीक करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो दोस्तों आपको सेकेंड ऑप्शन है, आपको अपने सेटिंग को रीसेट करना है। तो दोस्तों सेटिंग को रीसेट कर लेना है, जो जैसे आपको फ़ोन रीसेट करते हैं सेम उस टाइप का ही आपको आ जाता है एक ऑप्शन सेटिंग रीसेट करने का। बस आपको ये ध्यान रहे, आपको अपना सेटिंग रीसेट करना है, जो आपकी सेटिंग है यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रीसेट सेटिंग, यहाँ से जैसे आप रीसेट सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना पिन या फिर पासवर्ड या फिर जो आपका पैटर्न है वो डालना है, उसके बाद यहाँ से रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ से बैक आ जाना है। रीसेट करने के बाद जैसे आपका फ़ोन यहाँ पर चालू होगा तो देख लेना है आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको एक और ऑप्शन है, फिर भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीस्टार्ट का, तो दोस्तों आपको रीस्टार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर रीस्टार्ट या फिर रीबूट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। रीस्टार्ट करने से होगा क्या, जितने भी आपके सारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम होगी या फिर इशू होगा वो ठीक हो जाता है। तो गाइस आप रीस्टार्ट करके एक बार ट्राई ज़रूर करो। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो फ़ोन स्टार्ट होगा, दोस्तों देख लेना है आपका साउंड प्रॉब्लम ठीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यदि फिर भी ठीक नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रहा है तो आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपका सॉल्व हो जाए तो समझ जाइए कि आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉफ्टवेयर से ही प्रॉब्लम था। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस इशू को ठीक कर सकते हैं, यदि आपका सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो तो। दोस्तों आपको मैंने बताया जो टिप्स बताया उस टिप्स को आपको फॉलो करना है, आपका साउंड प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। बस आपको हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी आपका हार्डवेयर से कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यदि सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो तो इस टिप्स को अपनाने पर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, यानी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।